देखिए, आप सदा और लंबे समय तक भी लॉकडाउन में रह पाना तो व्यावहारिक नहीं है, लेकिन अब एक बात तो हमको माननी पड़ेगी कि हिमाचल प्रदेश के हमारे स्थानीय नागरिक बहुत अच्छे हैं। उन्होंने लॉकडाउन के समय में भी, अब अनलॉक फेज टू प्रारंभ हो गया है, इस बीच में भी कोरोना महामारी से बचने के लिए जिन जिन बातों का और नियमों का पालन करना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के नागरिक बहुत अच्छे से उन नियमों का पालन कर रहे हैं और साथ में भी धीरे धीरे गतिविधियां प्रारंभ हो रही हैं। उसमें हमारे अनेकों डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, पीडब्ल्यूडी के काम हैं, बिजली बोर्ड के हैं, आईपीएच के हैं, ग्राम पंचायतों के हैं और साथ में हिमाचल प्रदेश में जो बागवानी है, जिसके कारण से लगभग 4,500 करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था है। तो इसलिए अब ये जो सीज़न आने वाला है उसके लिए मज़दूर भी आएंगे, व्यापारी भी आएंगे और किसानों बागवानों की ओर से भी ये सब मांग है, तो आखिरकार सबको लाया भी जा रहा है और वो आने भी चाहिए। लेकिन उसमें यही है कि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना, हमेशा सैनिटाइज होना, मास्क अच्छे से पहन के रखना और ऐसी जो जिन बातों का ध्यान रखना है वो आवश्यक है। बाकी अभी उसके बावजूद चाहे वो ग्राम पंचायतें हैं, चाहे स्थानीय निकाय हैं, सबसे लगातार संपर्क भी है और हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर लगता है कि जिससे बातचीत करनी वो भी है, तो इसलिए लोगों को लाने के लिए भी आवश्यक है और इसलिए लोग भी आएंगे और काम भी हमको चलाने पड़ेंगे।